नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के टॉपिक सिंचाई से संबंधित पार्ट नंबर दूसरा देखते हैं इस वीडियो में, यानी पार्ट पहला बन चुका है। इरिगेशन यानी सिंचाई से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कंप्लीटेड है, आज दूसरा पार्ट आपके सामने। पहला प्रश्न ये रहा, 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये आज पार्ट दूसरे का पहला प्रश्न है, यानी 17 क्वेश्चन आपके पार्ट पहले में बताए जा चुके हैं सिंचाई से संबंधित। अर्जुन बांध नहर से प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है, यानी अर्जुन बांध नहर जो है वो किस जिले में सिंचाई करती है, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर या जालौन। राइट ऑप्शन 18 प्रश्न का पहचान लिया होगा, मिलाइए क्या आपने सही पहचाना है। 18 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, यानी अर्जुन बांध से जो नहर निकली हुई है वो है हमीरपुर जिले में सिंचाई करती है, कन्फर्म हो गया होगा। अगला प्रश्न 19, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, गंगा, सरयू, यमुना या रामगंगा। तो 19 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, हथनी कुंड बैराज या हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर बनाई गई है, याद रखिएगा 19 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 20 आपकी स्क्रीन पर, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया, 1984, 1985, 1986, 1987। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, 20 प्रश्न का आपका है सी ऑप्शन सही, 1986 में गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। 21 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर हिस्सेदारी से या सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना पर, चंबल, बेतवा या केन नदी पर। राइट ऑप्शन इसका पहचाना होगा, मिलाइए इसका सी ऑप्शन सही है, यानी राजघाट डैम MP और UP की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर बन रही है, बेतवा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 22 ये रहा, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, लवकुश बैराज, शारदा बैराज, रेहंद या राजघाट। अगर ध्यान से आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये इस प्रश्न का आंसर आ चुका होगा, राजघाट बांध। आंसर क्या है, डी ऑप्शन। अभी जस्ट 21 का ही ये प्रश्न पढ़ा है, उसी में आपका इसका आंसर छिपा हुआ था। तो राजघाट बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 23, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में या सोनभद्र में। राइट ऑप्शन पहचानिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर, अभी फिलहाल हमने कुछ वीडियो में 2-3 दिन पहले इसी प्रश्न को पूछा था, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद होगा। तो 23 प्रश्न का राइट ऑप्शन है डी विकल्प, सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर, यानी यूपी के पहले मुख्यमंत्री जी के नाम पर यह एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है सोनभद्र में रेहंद नदी पर। हाँ, ये गौर कीजिएगा, ये पार्ट आपका 17 है, एपिसोड नंबर 17 है, यानी 16 वीडियो बनाए जा चुके हैं यूपी के इम्पोर्टेंट। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यूपी के क्वेश्चंस हैं। 24 प्रश्न कह रहा है, रेहंद घाटी योजना नहरों द्वारा लाभान्वित जिला, यानी रेहंद घाटी से जो योजनाएं निकल रही हैं या कैनाल निकल रही हैं उनसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई होती है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बनारस या ये सभी। राइट ऑप्शन है 24 का डी ऑप्शन, यानी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और बनारस तीनों जिलों में रेहंद घाटी नहर या रेहंद घाटी परियोजना के माध्यम से सिंचाई या लाभ मिलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, कौन यूपी की ड्रिंकिंग एक प्लान है या पानी पीने के लिए पेयजल के लिए एक योजना बनाई गई है, शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध परियोजना। तो ये कौन सी पेयजल है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है, गोकुल बैराज परियोजना एक यूपी की पेयजल परियोजना है, यानी पानी पीने को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। 26 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, माता टीला परियोजना है किस नदी पर बनी हुई है, बेतवा, गोदावरी, कृष्णा या पेरियार। राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का बेतवा नदी, माता टीला डैम किस नदी पर है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कंचनौदा, ध्यान से सुनिएगा, कंचनौदा बांध परियोजना किस नदी पर है, रामगंगा, काली, सजनम या रेहंद। इम्पॉर्टेंट है 27 प्रश्न,
कंच नौदा बांध किस परियोजना पर या किस नदी पर बना हुआ है ये परियोजना? इसका राइट ऑप्शन है सी विकल्प, सजनम नदी पर बना हुआ है कंच नौदा बांध परियोजना। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा लिंक जो है किन दो राज्यों के मध्य परियोजना ये बनाई जा रही है? यूपी एमपी, यूपी झारखंड, यूपी छत्तीसगढ़, यूपी उत्तराखंड। पहचान चुके होंगे, सिंपल विकल्प बने हुए हैं इसके। 28 का प्रश्न नंबर सही है आपका ए, कौन सा ऑप्शन सही है? यूपी और एमपी में केन बेतवा लिंक यानी आपस में जोड़ी जा रही है ये नदी, जिससे आसपास में पानी समाप्त ना हो और बाढ़ से बचाया जा सके, यानी नदियों को नियंत्रित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 29, सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना कब चलाई जा रही है या कब से चलाई जा रही है सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना? 29 प्रश्न के ऑप्शन देख लिए होंगे आपने, आंसर पहचाना होगा, मिलाइए। 29 का आपका सी सही है, 2011 से 2012 वर्ष से ये चलाई जा रही है, 2011-12 सेशन से सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 30, प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई है या कब की गई थी? भूगर्भ जल विभाग स्थापना कब की गई? 70 में, 75, 1978, 1982। ऑप्शन ये हैं आपके, राइट ऑप्शन 30 प्रश्न का आपका है बी विकल्प, 1975 में प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 31, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रेहंद बांध और माता टीला, इनकी नदी सामने दी गई हैं। राजघाट यमुना पर बताया जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा पर, रेहंद रेहंद नदी पर, माता टीला बेतवा पर। तो इस प्रश्न का 31 का प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा, राजघाट बेतवा नदी पर है ना कि यमुना पर, तो यही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 34, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन नहर, नलकूप, तालाब एवं कुएं या अन्य साधन, उनके महत्व के आधार पर उनका अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, यानी सबसे अधिक सिंचाई किससे, फिर उससे कम, सबसे कम किससे, वो लास्ट में जाएगा। डिक्रीजिंग यानी अवरोही क्रम क्लियर हो चुका होगा, तो देखिएगा सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, ये आपने पहचान लिया होगा और पहले प्रश्न में हमने कर चुके हैं, तो इसका नंबर है दूसरा, यानी नलकूप पहले स्थान पर आना चाहिए, नलकूप से सर्वाधिक यूपी में सिंचाई होती है, तो बचे आपके बी और सी ऑप्शन, ठीक है। अब नलकूप के बाद जो है वो नहरें योगदान देती हैं, तो पहले नंबर पर ये आना चाहिए, दूसरे पर नहरें आना चाहिए, तो यहीं से ऑप्शन नंबर बी सही है, डिसाइड हो चुका है। तीसरे नंबर पर कुएं एवं तालाब, चौथे पर अन्य साधन आते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर कूट सही है। क्लियर है, ये अवरोही आरोही क्रम में लगातार पूछ रहे हैं प्रश्न, तो इसको ध्यान से याद कीजिएगा। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपने सॉल्व की है, टॉपिक था सिंचाई इरिगेशन। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की और कमेंट देखते हैं आप स्टूडेंट में से किसने उसका आंसर लिख करके भेजा है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर, कल जो हमने कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा था वो आ चुका है, उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पाद या प्रोडक्ट को बेचा जाता है? आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है, इसका आंसर आलू, यानी आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो देखते हैं कॉमेंट किसने किसने किया था, देख सकते हैं आप, ये कविता सिंह जी ने 26 का सी ऑप्शन दिया है, इनका भी सही है। सोनाली कुशवाहा जी ने ये एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल पूरा, पढ़िएगा आपको आंसर और अच्छे से याद रहेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ताज ब्रांड के नाम से आलू को बेचा जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आलू को ताज ब्रांड के नाम से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। 2013 में यूपी राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आलू को ताज ब्रांड के रूप में लॉन्च किया था, कब? 2013 में। सोनाली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में एक्सप्लोर किया करिए क्वेश्चन का, आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं प्रश्न को, देख पा रहे होंगे कमेंट आप सभी के। एस सक्सेना जी ने भी आगरा में ताज ब्रांड के नाम से आलू को बेचा जाता है बताया है, और ये शिवानी गुप्ता जी ने भी आंसर भेजा है, सही है इनका आंसर। आकांक्षा वर्मा जी ने भी आंसर सही बताया हुआ है, आलू को ताज ब्रांड के नाम से सेल किया जाता है, और विनीता वर्मा ने भी आंसर दिया हुआ है कि आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, और रीमा राजपूत ने बताया है 26 का ऑप्शन नंबर सी आलू सही है। तो ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस का आंसर भेजते रहा करिएगा।
आज आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है हरित क्रांति का विशेष प्रभाव यूपी के किस क्षेत्र पर पड़ा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड या अवध क्षेत्र। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो यूपी के किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। और हरित क्रांति के बारे में भी डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए, एक्सप्लोर करिए इस क्वेश्चन को, अधिक से अधिक खोजिए। उम्मीद करेंगे, इंतजार करेंगे आपके कमेंट का, तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजेंगे। और अगर किसी प्रश्न में डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख भेजिएगा, जिससे हम अगले वीडियो में उस प्रश्न के डाउट को हम क्लियर कर सकें। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।